वेलकम बैक व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया है सरदार तनवीर लिया साहब ने आप जियाला पंजाब के मामने खसूसी हैं बरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब बताइएगा ये जो एक टर्न अराउंड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है मुल्की मीशत के हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बड़े जो है वो दरामदी माहे मिल रहे हैं टैक्स अहदाफ वसूल हो रहे हैं महंगाई की शरह में भी कुछ कमी वाक़ हुई है इसकी वजूहत की और इसके क्या असरा मुरतब हो सकते हैं पहले इस पे जरा रोशनी डालिएगा सरदार साहब बहुत शुक्रिया सैदान साहब अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए देखिए ऐसे है कि हम पहले भी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को आप मौका दें गवर्नमेंट लोगों की तववाद पे पूरा उतरेगी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ और जो मरतब की हैं और जो टारगेट्स लेके आएँ वो इन लोगों को उसके रिजल्ट मिलेंगे जी अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी तरह विंटर का सीज़न था जब कोरोना ने दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया लेकिन अल्हद पाकिस्तान में वजी अजम पाकिस्तान ने बड़े वाइज डिसीजन किए और उन वाइज डिसीजन का जब हम ये कह रहे थे और यहाँ पर लोग वाविला कर रहे थे कि जी आप खुद कह रहे हैं तो अल्हद ला आज वो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है दुनिया के बड़े बड़े जो एक्ानी रेलिवेंट जर जर्न, जर्नल्स हैं जो चीज़ें जराइद निकलते हैं रसायल हैं अखबार हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पॉलीसीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको राइट डायरेक्शन में जी आपने ये देखा कि जब हमने लॉकडाउन किया तो हमने ग्रेजुअल लॉकडाउन किया और फिर हमने फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जीरो पाकिस्तान ने न सिर्फ वापस अलाउ कर दिया ओपन होने के लिए लेकिन उसके साथ ये था कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज है वो स्टील है वो सीमेंट है उसको भी ओपन करते गए एस को फॉलो करते हुए इसके साथ जब आपका जो मेन सवाल है जब हम टेक्सटाइल की तरफ आते हैं तो मैंने आपके ही कई प्रोग्रामों में ये बात पहले की थी कि मैंने बड़ा मीडिया के ऊपर मेरे रिकॉर्ड पे प्रोग्राम मैंने कहा था कि हम इन टेक्सटाइल की सनत जो है पाकिस्तान में उसको रिवाइव करेंगे ना सिर्फ रिवाइव करेंगे बल्कि उस लेवल पे ले आएंगे कि जो हमारी मुल्क और कौम की तवक़ात है हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के साथ जी आपने ये देखा कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा बाहर शिफ्ट कर गया लोगों की तो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही थी उनको मुखलित तरीक़ों से तंग किया जा रहा था तो आज आप इस कोरोना के माहौल में देखें कि इस वक्त रिसेंट पिछले दो तीन माह के अंदर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर दो से तीन लाख की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई लोगों को एम्प्लॉयमेंट शुरू मिलनी शुरू हो गई और आज जो टेक्सटाइल रिलीवेंट हमारी जितनी एसोसिएशन हैं और हमारे जितने टेक्सटाइल अर्नर्स हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हमें इस वक्त लेबर नहीं मिल रही है हमें इस वक्त वर्कर्स की शार्टेज हो रही है और अलहमद बाहर से ओवरसीज से दूसरे मुल्कों से जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स को आर्डर मिलने शुरू हो गए वो भी अलहमद ला है मतलब माजी में अगर देखें तो अनप्रसिडेंटिड है और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी मैं वही जाना है तो रहे हैं बहुत अच्छी ये बात है कि हमें बड़े बड़े टेक्सटाइल ऑर्डर मिल रहे हैं तीस लाख गांठों की दरामदी मुहिदे भी कर लिए गए हैं तो क्या चीज मुहरक बनी है और बहुत अच्छी बात है अगर दो से तीन लाख लोगों की खपत भी हुई है क्या चीज मुहरक बनी और ये जो सेकंड वेव है जो कि बहुत खतरनाक होती जा रही है इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है क्या है? और यह थोड़ी जो सियासी हलचल भी है मुल्तान में भी कल जलसा हुआ अब तेरह दिसंबर को लाहौर में होना जा रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इससे ये इफेक्ट पड़ सकते हैं इस मनफीपे असरा मुरतब हो सकते हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साथ साथ कोविड नाइनटीन की सेकेंड वेव देखिए जो पहले जो आपके सवाल का हिस्सा है उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी कि गवर्नमेंट ने हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने वजीर पाकिस्तान ने सन्तु के हवाले से जो हमारे यूटिलिटी चार्जेस थे उसको 50 परसेंट रिड्यूस कर दिया ओके okay. ये एक बहुत बड़ी तहरीक का बायस बना के हमारी इंडस्ट्री इससे बेनिफिट ले सकती है और स्पेशली पीक आवर्स के दरमियान जब पीक आवर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए तो ये टेक्सटाइल सेक्टर ने फौरी तौर पर उसको पिक किया उसको अपने उसको उसमें कन्वर्ट किया अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया पाकिस्तान को ये देखिए कि पाकिस्तान को यूं ही दुनिया में अपॉर्चुनिटी का मुल्क कहा जाता है कि बिजनेस के हवाले से ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब उस लैंड का हार्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टेक्सटाइल का मेन हब जो हमारा फैसलाबाद का एरिया है ना सिर्फ ये कि हमने यूटिलिटीज में फिफ्टी परसेंट कट किया गवर्नमेंट ने बट इसके साथ ये था कि रॉ मटेरियल के हवाले से हमारे जो टेक्सटाइल मेनूफैक्चरर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं उनका माजी में ये था कि उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप लोकल काटन भी यूज़ कीजिए इससे हट के अगर आपको कोई दूसरा ऐसा रॉ मटीरियल है पोलीस्टर है कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप समझते हैं कि दुनिया के किसी रीजन से आपको चाहिए आप ले आइए आप हमारे मुल्क में उसकी फिनिश बनाइए फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाइए वैल्यू एडिशन करें और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें तो ये उसके साथ नतीजा था तीसरा था जो स्किल लेबर आप ये देखें कि पिछले दो साल में हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर जो चलते हैं उसके अंदर हमने लोगों को इसमें ट्रेन करने में भी हमारी एक तो अब टेक्सटाइल वालों ने ये देखा कि जो बहुत सारा वर्कर यहाँ से बाहर चला जाता था या दूसरे शहरों में मारा मारा फिरता था वो अपने इन्हीं शहरों के अंदर यहाँ पे इस वक्त वो जाब ढूँढ रहा था और टेक्सटाइल वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी तो ये वो फैक्टर्स थे और इसके साथ मैं सबसे बड़ी जो एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि जो फाइनेंसिंग थी वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर फाइनेंसिंग एनेबल की गई अपने इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल के लिए कि आप इस फाइनेंसिंग से फायदा ले सकते हैं इन रेट्स के ऊपर आप उससे फायदा ले सकते हैं फिर जो स्टेट बैंक के ओवरऑल रेट्स थे आप ये देखें कि उन रेट्स को चौदह के करीब था और वो उसको छः सात के ऊपर ले आया गया इस कोरोना के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए तो ये वो मरकात बने कि जिसकी वजह से लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर हमारी 12 से 14 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं इनशाला हमारा टारगेट ये है कि अगले चार से पांच साल में ये 25 से 30 बिलियन पे हमारी गारमेंट्स रिलेटेड टेक्सटाइल रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होगी वो ये 25 से 30 बिलियन पे चली जाएगी और जब आप बाकी मिलाएंगे तो इनशाला पाकिस्तान पचास से साठ बिलियन क्रॉस कर जाएगा जो इसकी एक्सपोर्ट्स होंगी और ये वो चीजें हैं ये वो डायरेक्शन हैं जो इनशाला हमारे मुल्क को हमारे मुल्क के बिजनेस को हमारी इकोनमी को आगे लेके जाएंगे पीडीएम के हवाले पी, 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 से जो आपका सवाल का पोर्शन था देखिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो रैशनल होनी चाहिए हमेशा कोई भी ऐसे सरकमस्टांसिस होते हैं उसमें रैशनल का प्रिवेल करना बड़ा जरूरी है ठीक हम एक सिंपल बात ये कर रहे हैं कि क्या ये कोरोना सिर्फ पंजाब में है या पाकिस्तान में है या ये कोरोना दूसरे मुल्कों में भी मौजूद है आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप देखिए कि कोरोना के हवाले से उन मुल्कों की क्या पॉलिसीज हैं क्या एस हैं फिर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में पी एम एल एन की गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन में है सिंध के अंदर बहुत सारे शहर मुकम्मल लॉकडाउन है कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है कहीं पार्शल लॉकडाउन है तो ये कहना कि सिर्फ पंजाब के अंदर पीडीएम के जलसों के हवाले से हम ये कहते रहे हैं आज भी कहते हैं कि जी आपके जलसे करवाए जाएंगे आपको फैसिलिटेट भी किया जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी कि आप जलसे ज़रूर कीजिए लेकिन इस वक्त कौम की जान के साथ न कहें ठीक है एक कैरियर अगर एक जो कोरोना कैरियर है वो अगर किसी पिंडाल में किसी क्राउड में जाता है तो वो कई सौ लोगों को खतरे में डालेगा और अगर कई सौ या कई हजार लोग कोरोना कैरियर हैं है सर वो, तो तो वो कोरोना की बात और कितने करोड़ लोगों के लिए तो हम हो मैं मैं कि कि इन लोगों को बिल्कुल हम चांस देंगे लेकिन इनकी ये जो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स है वो ऑफकोर्स इकोनमी को मुतासर कर डेली वेजेस वाले को डेली वेजिस वाले को मुतासर करती है हम ये समझते हैं कि कोई रैशनल नहीं है पहली तो बात यह

इन पे भी कोई खुदा ना खासा कोई मनफी असरा मुरतब हो सकते हैं और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि टेक्सटाइल ज्यादा है हमारा मेन इंजन है हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनको ज्यादा अब इंसेंटिव की जरूरत है अगर आप बता पाएं सरदार तरबी लिया साहब देखिए मैं सबसे पहले तो टेक्सटाइल के साथ अगर आप इस वक्त बड़ी मूवमेंट देखेंगे तो वो आपका और कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है जिसके अंदर पाँच मरला के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने जो शराह सूद है वो पाँच परसेंट कर दी और जो दस मरला वाला घर है वो सेवन परसेंट शराह सूद के ऊपर अपनी फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं जी और इसके साथ आपने देखा कि दूसरे पैकेजेज इंट्रोड्यूस करवाए गए बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए तो कंस्ट्रक्शन का शोभा भी जो आपके मुल्क में चालीस के करीब डायरेक्ट और 15 से 20 सनतें इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन के शोबे के ऊपर डिपेंड करती हैं तो कंस्ट्रक्शन का शोबा भी हमें बड़ा स्ट्रांग मोबालाइज नज़र आ रहा है जो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होती है उसमें बड़ी स्ट्रांग इस वक्त मोबलाइजेशन है लोग नए नई स्कीमें शुरू कर रहे हैं लोग घरों के नक्शे बना रहे हैं कई जगहों पर घर शुरू हो गए और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि सीमेंट इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में हमेशा इग्नोर की गई ने, नेगलेक्ट हुई लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त हम अगले कुछ दिनों में सात नए लाइसेंस देने जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ वो सीमेंट इंडस्ट्री हमारे मुल्क की जरूरियात को पूरी करेगी लेकिन इसके साथ हम इंशाल्लाह सीमेंट बाहर दूसरी जगहों पर मुकाबला सख्त है वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के क्या की मंजूरी दी है और खुद इसकी वो सदारत करेंगे तमाम स्टेक होल्डर भी इस पर शामिल होंगे इससे क्या इम्पेक्ट आएगा देखिए एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया सारी में तरजीहत दी जाती हैं जो लोग एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्ट बोर्ड तश्कील दिया है जब वो खुद मॉनिटर कर रहे होंगे और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसकी मॉनिटरिंग प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होगी तो हर जो आदमी उसके अंदर पार्टिसिपेंट होगा या जो डिपार्टमेंट उससे रेलिवेंट होगा वो उसके अंदर कितनी तंदई से काम करेगा कितना उसके अंदर इन्वॉल्व होगा हम यहाँ पंजाब के अंदर ग्रीन चैनल एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो इनशाला ग्रीन चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाएंगी उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी सिर्फ फाइनल एक चेक होगा उनका हमारे एंटी नार्काटिक महकमे वाले चेक करेंगे कि कोई चीज हमारे मुल्क के लिए ऐसी चीज ना जो बाहर जाएगी तो लेकिन हम एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट की तरजीह है कि आपके लिए फॉरेन एक्सपोर्ट इससे कॉमन मैन भी मुस्तफीद होगा आखिर में बिल्कुल। बहुत दफा देखा हमारे दही इलाकों के अंदर एक स्किल मौजूद है लोग उनको वर्कर के तौर पे यूज करते हैं उनसे चीजें बनवाते हैं उनको बहुत थोड़ी सी रुपीज में पेमेंट की जाती है लेकिन खुद डॉलर पाउंड रियाल दिरहम में पैसे कमाए जाते हैं जब आपके मुल्क में ये कल्चर होगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है हमें खुशी उस वक्त होगी कि जो हमारा आम वर्कर आम okay. रहने वाला आम कंट्रीब्यूट करने वाला उससे मुस्तफ हो सकेगा तो जब आपके मुल्क में ये कंप्लीट कल्चर होगा तो फिर ये इस्तेसाल भी खत्म होगा कि चंद लोग तो उसमें से बेनिफिट ले जाएं लेकिन है। जो एक्चुअल मेहनत करने वाले हैं वो उससे महरूम रह जाएं तो इन हम एक्चुअल मेहनत करने वालों को भी उनका सिला दिलवाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तरवी इलिया साहब वजी वजी पंजाब के मामले खसूस हमसे खसूस गुफतुग कर रहे थे